बीकानेर को स्मार्ट सिटी बनाने और सड़कों को स्वच्छ बनाने के लिए निकाय प्रशासन ने पूरे शहर में सिवरेज का जाल बिछा तो दिया, लेकिन हजारों घर आज भी ऐसे हैं जिनका सिवरेज से कनेक्शन नहीं हुआ है। लोग निगम के चक्कर काट रहे हैं तो कईयों ने अपने स्तर पर ही कनेक्शन कर दिया है। नालियां आज भी गंदगी से अटी पड़ी रहती है। निगम की उदासीनता का खामियाजा आम जनता को हर दिन उठाना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, जहां पर बीकानेर को स्मार्ट सिटी बनाने और सड़कों को स्वच्छ बनाने के लिए निकाय प्रशासन ने पूरे शहर में सिवरेज का जाल बिछा तो दिया, लेकिन कितना हाईटेक अब बीकानेर शहर हो रहा है, कितना स्मार्ट हो रहा है, इन तस्वीरों में आप देखिए। जहां पर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए, सड़कों को स्वच्छ बनाने के लिए निकाय प्रशासन ने पूरे शहर में सिवरेज का जाल तो बिछा दिया, लेकिन अगर बात मरम्मत की जाए तो वो कहीं भी इसके बाद नजर नहीं आई है। जी मीडिया संवाददाता त्रिभुवन रंगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। त्रिभुवन, अगर बात बीकानेर शहर की करें तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास लोगों के लिए अब परेशानी बनते हुए जा रहे हैं। बात आए चाहे सिवरेज के जाल की ले लें, तो हालांकि ये जाल बिछा तो गया है, लेकिन अभी तक जो गंदगी है उससे आम जनता त्रस्त ही नजर आती है। आखिर प्रयास क्यों रंग लाते हुए नजर नहीं आ रहे, किसका फेलियर है? जी पूजा, मैं बता दूं आपको कि बीकानेर शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ पर जरूर देखा जा रहा है, उसके लिए नगर निगम ने और यूआईटी ने मिलकर जगह जगह सीवरेज का जाल बिछा दिया है, लेकिन हालात ये है कि सीवरेज तो बन गई है लेकिन अभी तक लोगों के कनेक्शन नहीं हुए, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि सीवरेज होने के बाद भी घरों के आगे जो नाली है वो अटी पड़ी रहती है। बारिश का मौसम है, लगातार उसमें जाम रहता है, पानी है जो सड़कों पर आ जाता है। सीवरेज के लिए लोग लगातार निगम को जा रहे हैं लेकिन अभी तक उनके वो कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। हमारे साथ मोहल्ले के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की परेशानी आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि जैसे ही बारिश आती है तो बारिश में यहाँ पानी जमा हो जाता है, और उसके अलावा घर में सीले आने लग गई है, सीलन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुरलीधर में, और उसके अलावा यहाँ पे ये जो सीवर लाइन के जो ढक्कन थे वो भी धंसने लग गए। अब तो यहाँ कोई भी ठीक से व्यवस्था नहीं है इस चीज की। सीवर लाइन को लेकर काफी समस्या का सामना करना, कुछ महिलाएं हमारे साथ है, क्या समस्या आ रही है? सर, जो एक मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान का, तो हमारे यहाँ शहर में ये हालत है, जो सिविल लैंड बनी हुई है उसमें आज तक कनेक्शन नहीं हुआ है, इतनी गंदगी रहती है, और जो गंदगी है वो खुली नालियों में जाती है, उससे बीमारियां फैलती है, और उस वजह से हम बाहर बैठ भी नहीं सकते, बाहर खड़े भी नहीं रह सकते। हमारी ये बहुत समस्या है, पूरे शहर की बीकानेर में ये समस्या हो रखी है। सीवरेज को लेकर आपके मोहल्ले में काफी समस्या है? ये काफी टाइम से समस्या हो रही है। ये सिविलियन के जो कवर है वो सड़क से ऊपर है, तो बाइक आते जाते हैं, उनमें कई बार एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं, और गली में क्या है, गंदगी बाहर आने से मच्छर मलेरिया होते हैं, तो उसका बच्चों पे काफी इफेक्ट बुरा पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार इसको करवाई जाए ताकि हम लोग इस बीमारी से बच सकें। धन्यवाद। सीवरेज आपकी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बहुत बड़ी समस्या है सर, कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन ये सीवरेज लाइन आज तक जुड़ी नहीं है। इतनी गंदगी के माहौल हो चुका है कि बच्चे निकले घर से, गंदगी हर जगह, गंदगी सीवरेज सारा ट्रैक्ट है, कोई मतलब ही नहीं है सर। कितनी बार यूआईटी हम लोग बोल चुके हैं, हम लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर बोल चुके हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस सिर्फ बस जाओ और गंदगी देखो, तो ये क्या आलम थोड़ी बीकानेर का? अब बीकानेर साफ सुथरा तो कैसे होगा अगर नालियों से शुरुआत होगी, क्योंकि गंदगी वहीं से चालू हो रही है, वो भी नहीं हो पा रहा इनसे। तो कुछ करो सर, अब मोदी सरकार कह रही है कि अच्छा हो, कहाँ होगा। कहीं ना कहीं पूजा, आम आदमी की पीड़ा खुलकर बाहर आ रही है, गंदगी बहुत है, सीवरेज में कनेक्शन नहीं है, और यही नहीं है कि सीवरेज है नहीं, लेकिन सीवरेज होने के बाद भी लोगों में कनेक्शन नहीं है, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। जी पूजा, बिल्कुल, और हर कहीं गंदगी का आलम ही नजर आता है, जिससे आमजन भी परेशान है, शिकायतें भी की गई लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिफर रहता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए त्रिभुवन आपका।